गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू द एसबीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। दिस वीडियो फॉर क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ, रनिंग टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, एक्सरसाइज 6.5, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1, आई टीच यू इन प्रीवियस वीडियो, रीड योर क्वेश्चन। फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड द लोकल मिनिमम वैल्यू एज द केस में भी f x = 2 x² मैक्सिमा एंड मिनिमा f(x) = 0। फर्स्ट डेरिवेटिव कर दो 0। मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करते हैं और 0 करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट मींस x की वैल्यू फाइंड करते हैं। फिर उस x की वैल्यू पर अगर f(x) नेगेटिव है तो मैक्सिमा है, पॉजिटिव है तो मिनिमा है। तो f(x) = 0 मींस 2x = 0, this implies that x = 0, at x = 0, f(x) = 0। तो x को भी जब इसमें 0 रखेंगे तो ये आपका 2 आएगा, और this is greater than 0, this is greater than 0। तो at x = 2, f(x) = minimum, क्या है मिनिमम फंक्शन, तो मिनिमम वैल्यू f(0) = 0² = 0। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, मैक्सिमम वैल्यू ना दिखाएं, क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू नेगेटिव रखें या पॉजिटिव, x² है तो पॉजिटिव तो हो ही जाएगी, अधिकतम वैल्यू की कोई पता नहीं, जैसे x आपका इंक्रीज होगा वैसे x² भी इंक्रीज हो जाएगा। तो 0 के लिए ही इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, और 0 के एक्सेप्ट अगर कोई भी वैल्यू आप 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 4 रख दे तो पॉजिटिव तो आएगी, क्योंकि स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है और 0 से ग्रेटर होगी ना। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0। सिमिलरली सेकंड पार्ट के लिए f(x) = x³ - 3x, फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव f(x) = x³ - 3x² - 3x³, एंड पुट फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम f(x) = 0, तो 3x² - 3x² = 0, 3x² = 3, x² = 1, तो x = ±1, डबल वैल्यू आ रही है। f(x) = 2, इसका सेकेंड डेरिवेटिव 3 × 6x, अब f(1) = 2, x की वैल्यू कम कर दीजिए पहले तो 6 × 1 = 6 > 0, तो x = 1, f(x) = minimum वैल्यू, तो f(1) = 1 पर लगा दीजिए, x की वैल्यू पहले आपने पॉजिटिव पर ली तो यहाँ पर रख दिया, तो 6 × 6, ये 6 कैसे ग्रेटर देन 0, तो मिनिमम हो गई। पॉजिटिव आती है ये वैल्यू तो मिनिमा है, नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा है। अब मिनिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की, तो x² उठा के यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1³ - 3 × 1, तो 1 - 3, तो कट 2 - 2, दिस इज मिनिमम वैल्यू। अब दूसरा पॉइंट भी एक है, कौन सा दूसरा पॉइंट है,
x इक्वल टू माइनस वन, तो x इक्वल टू माइनस वन पर भी एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे देखिए एट x इक्वल टू माइनस वन एट x इक्वल टू माइनस वन एफ डबल डैश माइनस वन इक्वल टू ये रखा याद रख दीजिए तो सिक्स इंटू माइनस वन इक्वल टू माइनस सिक्स लेस देन जीरो। तो एट एक्स इक्वल टू माइनस वन एफ एक्स है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू एफ माइनस वन उसी में रख दीजिए माइनस वन की पावर थ्री माइनस थ्री इंटू माइनस वन, माइनस वन का क्यों माइनस वन, माइनस वन प्लस थ्री, थ्री माइनस वन टू, एफ माइनस वन यानी मैक्सिमम वैल्यू है टू और मिनिमम वैल्यू है माइनस टू। एक्स की कोई भी वैल्यू आप रखिएगा तो माइनस वन पर इसकी वैल्यू आएगी टू और वन पर आएगी माइनस टू। तो ये है आपकी मिनिमम वैल्यू और ये है मैक्सिमम वैल्यू। अधिकतम वैल्यू दो ही हो सकती है, दो से ज़्यादा नहीं हो सकती है। एक्स की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, इसमें आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखते हैं तो अधिकतम वैल्यू कितनी आएगी टू आएगी और कम से कम माइनस टू। तो दिस इज कॉल्ड मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसका क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कीजिए उसको जीरो के ऊपर टू कर दीजिए, वहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। ऐसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, थर्ड पार्ट है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन पाई बाई टू, तो एक्स लेस एक्स निकालिए जल्दी से। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो x डैश x इक्वल टू जीरो कर दीजिए। तो cos x माइनस साइन x इक्वल टू जीरो, cos x इक्वल टू साइन x, cos से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा tan x इक्वल टू वन। तो tan x इक्वल टू tan कितने की वैल्यू बना है tan पाई बाई फोर, x इक्वल टू पाई बाई फोर। पॉइंट आ गया आपका, एक ही पॉइंट मिला है आपको। अब क्या करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए इसका एक्स डबल डैश एस कॉस का कितना हो गया माइनस साइन, और साइन का माइनस कॉस, तो माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आप देख रहे हैं नेगेटिव में जो आगे नेगेटिव लगा है तो ये जैसी होगी लेस देन जीरो होगी। अब एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर, तो एक्स डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई फोर यहाँ पर रखना है प्लस कॉस पाई बाई फोर माइनस साइन पाई बाई फोर वन अपॉन रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू इक्वल टू माइनस टू अपॉन रूट टू, निगेटिव है तो लेस देन जीरो है। फंक्शन कैसा है मैक्सिमम एफ x इक्वल टू पाई बाई फोर एफ एक्स है मैक्सिमम। अब मैक्सिमम वैल्यू तो किस पर आए x इक्वल टू पाई बाई फोर, तो एफ पाई बाई फोर यहीं पर रख दीजिए आपके एफ क्या ही अच्छे हैं x पाई बाई फोर इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन पाई बाई फोर प्लस कॉस पाई बाई फोर। साइन पाई बाई फोर की वैल्यू है वन अपॉन रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू इक्वल टू टू अपॉन रूट टू इक्वल टू रूट टू। दिस इज आंसर मैक्सिमम वैल्यू। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।